हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स किंग पोकर बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे इजीली, लिटरली इजीली कैसे चिकन डिनर कर सकते हैं ज़ोंबी द डार्केस्ट नाइट का जो नया मोड आया है, जो पबजी में अभी हाल ही में जो अपडेट आया था 4-5 दिन पहले, उसमें जो नया मोड आया है वो आप उसमें कैसे इजीली चिकन डिनर कर सकते हैं। मैंने बहुत लोग को देखा सोशल मीडिया पर, वो बोल रहे कैसे चिकन डिनर, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं उसमें कैसे चिकन डिनर किया जाए। तो अगर आपको जानना है आप कैसे चिकन डिनर कर सकते हैं तो आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक देखें और बिना किसी टाइम वेस्ट के लिए चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू हो उससे पहले, अगर आप नए हो ये चैनल पे और अगर आपको डेली के टिप्स और चाहिए गेम के प्रो होने के लिए, आपको कुछ आपको टिप्स जाननी है तो आप क्या खड़े क्या हो, आप पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और एक क्विक क्वेश्चन आपके लिए, आपने कितना डैमेज किया ये प्रो ये मोड में, ज़ोंबी वाले मोड में, मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे अब तक हाईएस्ट 83,000 डैमेज है और 154 किल्स है। तो आपका डैमेज और किल्स आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपने कितना हाईएस्ट किया अब तक, मेरे को जानने की, देखते किसका ज़्यादा है। देखते एक बार जिसका ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा डैमेज, मैं उसका कमेंट में पिन करूँगा और देखते किसका ज़्यादा है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, हम बढ़ते हैं टिप नंबर वन की ओर। टिप नंबर वन है स्क्वाड। तो ये जो गेम है, ये जो नया मोड आया है, उसमें अपने को 4 के 4 बंदे अपने खुद के होने चाहिए, खुद के फ्रेंड्स होने चाहिए, जो अपनी बात वॉइस चैट में वर्क कर रहे हो। कोई भी रैंडम बंदे, एक भी बंदा रैंडम नहीं चाहिए, लिटरल बोल रहा हूँ, एक भी बंदा कोई रैंडम नहीं चाहिए, सिर्फ एक 4 के 4 खुद के जो प्लेयर है वही चाहिए। क्योंकि आप अकेले कुछ उखाड़ने वाले हैं। आप 2 प्लेयर रहोगे तो 2 नाइट तक ही कुछ कर पाओगे, बाकी के 3 प्लेयर भी रहोगे तो भी आप 2 नाइट तक ही कुछ कर पाओगे, बाकी आगे आप कुछ नहीं करने वाले। क्योंकि आखिरी का जो 4th नाइट आएगा आपको बहुत हार्ड पड़ेगा। इसका आपको 4 के 4 बंदे जो एक्टिव चाहिए, सब एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने चाहिए। तो ये था स्क्वाड आपको चाहिए रहेगा, तो उसके लिए ये गेम को जितना था एक स्क्वाड चाहिए के कुछ भी हो। तो बढ़ते टीम नंबर 2 की ओर। टीम नंबर 2 है रिमेंबर द लोकेशन। देखो मैं अभी आपको यहाँ पर एक ये बताया, जहाँ पर मैंने मार्क किया मैप पे जो जो जगह वेयर हाउसेस जो मैंने मार्क किए, वो वेयर हाउसेस में आप हो सके तो वो वेयर हाउसेस में जाके लूट करके वेयर हाउसेस में चले जाइए। आप फर्स्ट सर्कल में आपका वेयर हाउसेस नज़दीक में नहीं है तो आप पहले लूट कीजिए, पहले नाइट कंप्लीट कीजिए, फिर सेकेंड नाइट पर वहाँ पर चले जाइए। तो ऐसे वेयर हाउसेस में एक सीक्रेट लोकेशन है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये फोटो में आप देख सकते हैं कि जो लोकेशन आप यहाँ पर आपको आराम से खड़ा रहना है। ये हीलिंग स्टेशन भी बोल सकते हैं इसको, ये हीलिंग स्टेशन पे आप आराम से हील कर सकते, कोई यहाँ पे आपको मारेगा नहीं। सिर्फ जो थूकने वाला वो रहता है ज़ोंबी, वो आपको बस थोड़ा छेड़छाड़ कर सकता, बाकी कोई ज़ोंबी यहाँ पे ऊपर आ नहीं सकता। तो आप वहाँ पे हील कर सकते, आप अपने फ्रेंड 3 फ्रेंड नीचे रहेंगे, बाकी एक एक करके आगे सब हील कर सकते वहाँ पे, तो इजीली आपका जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें सिर्फ आपको ज़ोंबीज़ को संभालना है, बाकी प्लेयर के लिए आपके वर्क तमिल नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी के प्लेयर बस ऐसे टाइम पास के लिए आधे से ज़्यादा बॉट ही रहते, तो इसमें कुछ प्लेयर का कोई महत्व ही नहीं है। तो आपको जितना हो सके ज़ोंबीज़ को पहले मारना रहेगा। अब बढ़ते टिप नंबर 2 की ओर 3 की ओर। टिप नंबर 3 है दैट येलो साइन, जो आपको मैप मैप में देख सकते। तो मैंने आपको एक येलो साइन दिख रहा है, तो आप ये येलो साइन पे जो मॉन्स्टर्स रहेंगे, मोटे वाले मॉन्स्टर्स, उनको आप हो सके तो आप जैसे ही आपका फर्स्ट नाइट एंड हो, आप अपनी हीलिंग जो है जो कर दीजिए, सब अपना वेपन जो भी लूटना है लूट लीजिए, और जाके सबसे पहले वो मॉन्स्टर की साइन जितनी हो सके उतनी साइंस को आप जितने मॉन्स्टर सबको मारिए। क्योंकि वहाँ पे गन रहेगी सब, जो कि आप 7.62 की सब गन रहेगी, 7.62 5.56 की सब गन रहेगी, जो आपको चाहिए रहेगी खेलने के लिए। वो गन नहीं रहेगी आपके, तो आप कुछ नहीं करने वाले। तो गन आपको चाहिए तो उसके लिए वो सब येलो साइन में जो मॉन्स्टर है सबको मारना पड़ेगा। तो मॉन्स्टर के पास M762 जो कि बेस्ट गन है ये गेम में, तो वो यूज़ कीजिएगा, क्योंकि M762 इतना डैमेज करते हैं ना, कोई ज़ॉम्बी बच नहीं पाएगा। तो वो गन हो सके तो वहाँ से पहले उठा के लाना, M762 AKM M416 कोई भी आपको सब गन मिल जाएगी वहाँ पे। तो वहाँ पे आके पहले वो करना, ये जो आपका नाइट जैसे ख़त्म हो तो पहले आके येलो साइन वाले मॉन्स्टर्स को उड़ा देना। टिप नंबर फोर आपको जो नया आपको ग्रेनेड दिख रहा होगा यहाँ पे बॉटम राइट पे, आप जो अगर लिए होगे तो ये ग्रेनेड करता क्या, आपके एनिमी आपका जो ज़ोंबीस है उसको स्लो डाउन करता है। अगर आपके साथ बहुत सारे ज़ोंबीस आ गए तो आपको बस ये नेड यूज़ करना है, तो उसके जैसा आप इजीली सब ज़ोंबीस एक जगह पे बहुत स्लो डाउन हो जाएंगे और आपके पास आ नहीं पाएंगे, तो आप सबको एक साथ मार सकते हो, या फिर नेड कर सकते हो सबको एक साथ घर पे ऊपर बंद करके, आप नेड डाल सकते हो अगर स्लो डाउन करके, तो ऐसा आप कर सकते हो, कुछ स्ट्रैटेजीज चला सकते हो आपको अगर जीतना है तो। तो ये था टिप नंबर 4। अब बढ़ते टिप नंबर 5 की ओर। टिप नंबर 5 है पोशन। ये पोशन जो आपको आधे को पता नहीं हो, पोशन में एंटीडोट जो भी है आपको पता ना हो, तो ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है कि आपको जो घर के बाहर रहोगे तो आपके बहुत डैमेज होने वाला है। तो इससे अच्छा आप
कुछ एंटीडोट लगा के तो आप घर के बाहर आराम से घूम सकते हो और आराम से किसी को मार सकते हो। तो वह आपके घर के बाहर थोड़ा बाहर कोई भी जो सीक्रेट लोकेशंस रहते हैं वहाँ पे आप खड़े होकर मार सकते हो सबको। तो एंटीडोट आप जितना हो सके उतना उठा लीजिएगा एंटीडोट और नया जो नेड आया सब। तो ये थी 5 टिप। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेक श्योर लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।